अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग गुरुद्वारा हैं, इसका नाम है गुरुद्वारा सिख साहिबा। सिख साहिबा और बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा सिख सुबह। सिख सुबह, ओके जी। तो ये कौन सा इलाका था? गुलिस्तान गुलशन मेवाड़ का इलाका है, आदमगोट। और ये नया आदमगोट कहलाता है, हिंदू कॉलोनी। हिंदू कॉलोनी, ये यहाँ पे नया बिल्डिंग बन रही है, ये गुरुद्वारा बन रहा है। अच्छा, हाँ, ये जुड़ा। तो ये कौन बना रहा है? ये कुछ गवर्नमेंट बना रही, कुछ ये राजा साहब। कौन से राजा? ये हिंदू है। अच्छा, पर सिख मजहब में वो। अच्छा, तो इसकी जमीन पक्की हो गई? हाँ जी, जमीन पक्की है ना। जमीन आप बढ़िया देख के बनाई, ऐसे नहीं जेलों में इनमें ऐसे जो। तो जेल में क्यों जाना पड़ गया? ऐसे कुर्बानी है ना। क्यों? ये देखो इधर क्यों आया, क्या कब्जा कर रहा हूँ, ये फिलाना तीरा। अच्छा, इन लेकिन कागज तो पक्के है ना? पहली पहली की बात, पहली पहली की। फिर ये कागज बनाया, सही सब कुछ बनाया। अभी तो वाहिगुरु की कृपा है, जब ये सत्संग होती है ना, पूरा ये प्लाट, ये सत्संग डेली होती है या ऐसे रोजाना होती है? डेली होती है, सुबह शाम। सही। और जो हमारे मस्जिद की क्यों करतारपुर जो है, करतारपुर वाला जी जी इकबाल भाई, हाँ उनकी मिलाते हैं। और सरदार पढ़े लिखे हैं करतारपुर जो नदी का है ना। अच्छा, करतारपुर साहब ना, करतारपुर साहब। तो हम तो जाते हैं, चले जरा गुरु के दर्शन करा दे। हाँ जी, हाँ जी। अब रिमाल है? रुमाल नहीं, आप अगर दे दो रुमाल, एक एक करके मिला दो यार, एक एक करके। ना ना ना, तो चल दे ना, कोई मत दे, रुमाल दे बाबा। ये जो बुनाद है ना, इसको कागजात के बगैर इसको बनाना नहीं चाहिए। सही है, तो कागजात तो हो गए ना, अभी तो मसला खत्म हो गया हर चीज। तो ये जो झोंपड़े हैं, ये कौन लोग रह रहे हैं? ये हमारे लोग हैं। अच्छा, हर कौम है, भातू भी है। भातू वो क्या होता है? यही वो भी अकलियत बिरादरान के, माना ये सारे अकलियत है हमारी। कितनी आबादी होगी यहाँ पे? अंदाजन सबको मिला 700 घर है ना, 700-800। और जो दूसरे लोग हैं सबको मिला, और भी बनेंगे ना, ये प्लाट पड़े हैं ना, और भी बनेंगे। यहाँ कैसा है प्लाट? स्कूल का प्लाट है कोई? नहीं नहीं, अभी इधर बेचना नहीं है, हिंदुओं के लिए। नहीं तो स्कूल का कोई अलॉटमेंट तो होगी। जमीन पड़ी है उसकी, बनने जमीन है पड़ी है उसकी। टीचर आता है? धारा में है, कोई होता है टीचर भी आता है? पढ़ते हो तुम? बच्चे पढ़ते हैं। तुम भी तो बच्चे हो यार, मैं भी बच्चा हूँ। नहीं, सबको पढ़ रहे हैं लोग, बच्चे तो मेरे, ये सारे पढ़े हुए हैं। मेरी शादी शुदा, 9 बच्चे, 9 बच्चे को कौन पढ़ेगा? तो आप पढ़ लगा, उनको पढ़ा देना, खत्म हो गया। रुमाल दे देना, रुमाल आप बांध दे। यहाँ पे सत्संग कितने बजे शुरू होती है? ये 6 बजे शुरू होती है। अच्छा, हम जल्दी आ गए। हाँ, आप गाते हैं? जी नहीं, मैं पाठ्य गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ। अच्छा, और कोई है गाने वाला है? अमृत वेले मतलब 3:30 बजे, 3 बजे हम लोग आते हैं। अच्छा, सुबह वाली ना जी, सुबह। और कोई अभी गाने वाला है? 6 बजे तक मतलब बाजा, वो गया बाजा नहीं, कीर्ति करने के लिए गया हुआ। अच्छा, कुछ कमाने के कारोबार के लिए। क्या काम करते हैं? मैं नहीं, वो जो बाजे वाले हैं वो कुछ बस अपना पेट गुजारा के लिए गुब्बारे वगैरह ये। और आप? मैं सरदार गुरु, मेरा नाम गुरदार के वाले। अच्छा, पाठी है? पाठी पढ़ने वाला? हाँ, पढ़ने वाला। तो आप पढ़ लेते हैं गुरुमुखी? जी हाँ हाँ। वाह जी वाह। उर्दू पढ़ लेते हैं? उर्दू भी पढ़ता, मैंने इंटर किया। अच्छा, फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक चलाता हूँ, आईडी फिलहाल बंद है मेरी। क्यों नाराज हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सिटी काउंसलर हूँ। सिटी काउंसलर भी हैं आप? जी जी।
वाहिगुरु ने पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए 25 लाख रुपए का काम भी अप्रूव ये पढ़े लिखे हैं ये पढ़े लिखे अभी यानी कि नहीं तो फेसबुक चलाएं तो हमसे कनेक्ट रहेंगे ना रोज आते शक्ल वकल देखते रहेंगे तो दोस्ती पक्की हो जाएगी वैसे तो अभी चला जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कब आया था कौन आया नंबर होगा तो फोन नंबर लेकिन रोज में कितने लोगों से बात करूँ फेसबुक पे ही मतलब हाँ फेसबुक पे करेंगे मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ ये मेरे कार्ड है सबको बेशक बांट दें पर्सनल नंबर वगैरह नहीं आपका नंबर भी ले लीजिए आप ये अमृतसर के बाबे पहली ब्लॉक रखे हैं क्या रखे हैं मियां हजरत ली ना पहली ब्लॉक जो अच्छा जी 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 हजरत मियां मीर साहब हमारे हजरत मियां मीर कौन से मजहब के थे मुसलमान थे हाँ ना वो तो भाई बंदी से चलते थे ना जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं बाबा गुरु नानक गुरु अर्जन देव अभी ये पहली ब्लॉक ये रखा अच्छा ये गुरु अर्जन देव तो ये इन्होंने आप तो पहली दफा गुरुद्वारे आए हैं या पहली दफा मेरी दफा गए थे तो इनको जरा कहानी सुनाएं कौन कौन पहली दफा गुरुद्वारे आया है तुम पहली दफा आए पहले आ चुका हूँ कराची में वहाँ वाले गए थे अब्दुल्ला कहाँ तुम भी जा चुके तो आप पहली दफा गुरुद्वारे आए जी हाँ बिल्कुल तो जरा बताएं ये इसकी कहानी बता दे ये अपना अमृतसर गोल्डन टेंपल जो इंडिया में हमारा पहला सिखों का जो गुरुद्वारा मेन गुरुद्वारा हमारा यही है गोल्डन टेंपल ननकाना साहब पहला नहीं है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक साहब पैदा हुआ है जी जी ये तो हमारा अपना मतलब ऐसा समझ लेंगे दिल है सही है तो ये क्या है ये अपना ननकाना ये अपना गोल्डन टेम्पल है गुरुद्वारा इंडिया में अमृतसर में सही है तो पहला जो ये जो थे इनका नाम क्या था हजरत मियां मीर साहब मियां मीर साहब जी ये गुरु नानक है गुरु अर्जन देव साहब अर्जन देव जी पंजम पिता मारे में शहादत श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने मुबारक हाथों से मियां मीर साहब के पहला बुनियाद मतलब पहला दानीना पत्थर रखवाया था गोल्डन टेम्पल उनके हाथ से रखा मुसलमान के हाथ से रखा जी क्या बात तो ये प्यार है मोहब्बत है कि हमदर्दी अपना इस तरीके से हमारे गुरु चले थे ये पंथ लेकर कि किसी से नहीं लड़ना नहीं झगड़ना एक प्यार मोहब्बत का दर्श दिया हुआ बिल्कुल सही बीकम शाह अच्छा हजरत अली ये जो पंथ तख्ता है दिल्ली की उत्थे सारी तस्वीरें लगी हुई हैं जिसने अच्छा काम किया ना वो गुरु सालाना गुरुपुरब भी हम लोग मनाते मतलब उसमें भरपूर पुलिस नौकरी के लिए मतलब जो भी इंतजाम होते हैं पुलिस वाले भी सिक्योरिटी तैनात करते हैं कोई तंग तो नहीं करता आपको उधर रेंजर्स को भी हम लोग एप्लीकेशन 10 दिन मतलब पहले हम लोग एप्लीकेशन कर दे देते हैं सिक्योरिटी के वाले से अच्छा पाकिस्तान में आप रहते हैं यहाँ रहते हैं कोई तंग तो नहीं करता करते हैं ये बात भी ना सीधा पहलवान हाँ बताएं क्या क्या तंग ये हमारा मंदिर तोड़ दिया था क्या सुना वो तो आपने बताया हम हिंदू बावरी राजपूत हम नहीं कोई कब्जा करते हैं नहीं को ढाका मारते हैं नहीं कोई ऐसा काम ये सब्जियां वगैरह करते रहते हैं और अंदरानी सिंध में तो हमारा ये जो मंदिर तोड़ा तो हमारा पूरा जिस्म हमारा ख़त्म हो चुका है हमारी पाकिस्तान में रहने वाले पुराने से पुराने क्यों मंदिर तोड़ा कोई हम लड़े नहीं हम कोई जंग नहीं करने वाले नहीं कोई हम सीट के पीछे लड़ने वाले तो हमारा गरीबों का मंदिर क्यों तोड़ा इसलिए 6 साल 7 साल में भाग दौड़ करा उसके बाद में ये मंदिर हुआ अभी भी दीवार हमारे ऊपर तकबीर यही है कि हमारे दीवार 9 एकड़ों के ऊपर नहीं है हम रात को सुकून से नहीं सोते क्योंकि बंद नहीं है ना चारों तरफ से इधर से पठान आ जाते हैं उधर से घुस जाते हैं उधर से आ जाते हैं उधर से कितने हटाएंगे हम तो ये हमको तकबीर नहीं है आज तो हम जिंदे हैं बाबा जिंदा है मैं जिंदा हूँ तो चल रहे हैं अभी मर जाएंगे बच्चों को क्या तो बच्चों को ट्रेनिंग दे दें आप फटाफट तो अच्छे हफ्ते जैसे अच्छा बना तो ये दुआ से ऐसे ही हो ये हैं गरीब हैं तबके का जो ये चले अंग्रेजों ने माना जगा दिया बैठने की किसने पाकिस्तान में इतनी जिंदगी दिया तो कोई किसने हाथ नहीं उठाया ये बेचारी जिनी सिस्टर उनका अल्लाह ताफिक दे तो ये गरीबों का इधर बिठाया किसने बिठाया जिनी सिर्फ डॉक्टर रूथ ने किया था हाँ। जो मरी है अभी जी 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 वो उन्होंने किया है सब हाँ। तो वो जगह जो है परले साइड से उनकी है
यहाँ से सुनने के जाइए, मंदिर है या गुरुद्वारा है जाइए, आप खुद हमने गुरुद्वारे के वजीए से इनको हमने लेना चाहते थे। तो हमारे को हर चीज़ की सहूलत है, एक सहूलत नहीं है। यहाँ से दरख्वास्तें हमने बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ उगाई है, तो अंदर जो को गंद हो रही है ये बंद नहीं हो रहा है। कैसे गंद? ये शराब, चरस, हरूम। देखो गुरुद्वारा कॉलोनी के अंदर, हाँ जी, इस कॉलोनी हिंदू कॉलोनी, हाँ हाँ कॉलोनी, इनमें मन पता नहीं कहाँ कहाँ दरख्वास्तें भेजी हैं। तो ये हमने ये कहते हैं अल्लाह करे गुरु करे, तो ये ऊपर से कोई ऐसे हमारी कॉलोनी में बंद हो जाए तो अच्छी बात है। एक बात ये, कैसे बंद होगा ये गवर्नमेंट के हवाले से? नहीं, क्या करे गवर्नमेंट आप बताएं? आप आज चीफ मिनिस्टर लग गए, क्या काम करेंगे इसकी? वो दरख्वास्त जाएंगी भाई? नहीं, आप आज चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, अब बताएं क्या करेंगे? मतलब मिनोरिटी का तो कुछ ना कुछ हकूक दिए जाए ना। नहीं, हकूक चीफ मिनिस्टर साहब खड़े ना, बताओ क्या काम करें? अगर ये चीफ मिनिस्टर साहब होते तो अभी माशाल्लाह से ये चार दीवारी भी दीवारी, पहले आपको दीवार चाहिए जी, ठीक, कितने की बनेगी ये? जो मतलब 3 करोड़ की होगी। 3 करोड़, ठीक है, 2 या 3? 3 मतलब इनके करीब है। अच्छा, और दूसरी बात, जो गरीब पड़े हैं पशुओं के लिए इंसान बोलने दे, पहली पक्का नाला बाहर निकले, आप जाके देखें कि वो बेचारे सुख थोड़ी, और ये दीवार, पहली बात हमारी दीवार है, ठीक है, एक दीवार हो गई, दूसरा नाला हो गया, एक बात लेके नहीं जा रहे। इसका मेरे से पूछो, मैं बैठ जाऊं? ये तो बात है तो अल्लाह ताला तुम्हें तो अब आपने बोतल पूछी थी, अब मंगा लें, नो प्रॉब्लम। बाहर चले? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, यहाँ अलाउड है पीना? पीना बिल्कुल अलाउड है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इससे थोड़ा फारिग हो जाए ना। अच्छा, अभी तो मैंने कहा कि बीच में अगर मैं बोल दूंगा तो अच्छा नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैंने मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा खुद ही प्यास लग रही थी, आप अगर बोतलें मंगा लें, वो पैसे वो दे देगा। अच्छा, आप हमारे मेहमान आज, ये